हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन। स्वागत है आपका अमन एनालिसिस में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल बना रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ प्राइवेट पार्ट्स आर चेक्ड इन डिफेंस मेडिकल टेस्ट। इस चीज़ का बहुत डाउट होता है स्टूडेंट्स में। वो अपने मेडिकल टेस्ट से पहले बहुत सोचते हैं, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, कोई बताता नहीं है, और आप लोगों को बहुत शर्म आती है इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपके मेडिकल टेस्ट में चेक किया जाता है, और बहुत डिटेल में होगी। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि आपको सीखने के लिए इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। जब भी आपका मेडिकल टेस्ट होता है फिजिकल के बाद, तो आपके बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, लेकिन आज हम लोग एक मेन प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो सबसे पहले तो इसमें मेजर चार टेस्ट होते हैं, मतलब चार चीज़ें देखी जाती हैं। और कौन कौन सी वो चार चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले आपको एक रूम में ले जाया जाता है, या अगर रूम में नहीं ले जाया जाता तो भी आपको सब सारे दोस्तों के साथ, मतलब जितने भी आपके कैंडिडेट आते हैं उनके साथ खड़ा किया जाता है, और फिर वो लोग आपको बोलते हैं कि आप अपना जो अंडरवियर है उसको नीचे कर लीजिए। और आपको उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सब लड़के ही रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना। फिर सबसे पहले वो लोग क्या बोलते हैं कि जो आपका पहला जो टेस्ट चेक किया जाता है वो होता है फाइमोसिस, इसका नाम होता है, ठीक है। इसमें जो आपका जो पेनिस होता है उसके फोरस्किन को वो लोग बोलते हैं कि आप उसको पीछे पुल कीजिए। सबको बोलते हैं, जितने भी बच्चे वहाँ पर खड़े होते हैं, तो आपको अपना जो फोरस्किन है वो पीछे पुल करना पड़ता है और उनको दिखाना पड़ता है। वो इसमें देखते हैं कि फाइमोसिस है कि नहीं बच्चे को, क्योंकि फाइमोसिस एक डिजीज़, एक बीमारी होती है। तो ये चीज़ चेक करते हैं। तो देखो, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल आपका जो हेड है वो पूरा दिखना चाहिए, ठीक है। जो हेड ग्लैंड होते हैं वो पूरा दिखना चाहिए। तो ये होता है सबसे पहला टेस्ट जो चेक करते हैं फाइमोसिस में। फिर वो लोग बोलते हैं कि अपनी जो स्किन है उसको छोड़ दो। तो फिर उसके बाद वो लोग पैरा फाइमोसिस चेक करते हैं, इस चीज़ को समझ लेना। और मैं आपको इसके लिए भी डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से टेस्ट वो लोग चेक करते हैं। इसके बाद कौन से जो टेस्ट होता है वो चेक किया जाता है, चलिए देखते हैं। तो आपको स्टेबल खड़ा रहने के लिए बोला जाता है, और जो डॉक्टर होते हैं वो खुद आते हैं और आपके जो टेस्टीज़ है वो चेक करते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट डाउट आता है लोगों को, और जो प्रॉब्लम्स होती है, हाइड्रोसेल वो भी चेक किया जाता है कि आपके जो टेस्टिकल्स है उसमें कहीं पानी तो नहीं भर गया है। ये भी एक बहुत मेजर चीज़ चेक की जाती है आपके इसमें जो प्राइवेट पार्ट वाले पार्ट में। और इसमें सबसे जो मेन चीज़ चेक किया जाती है कि आपके जो टेस्टीज़ है वो दो हैं कि नहीं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना कि अगर आपके एक टेस्टीज़ या फिर तीन टेस्टीज़ है तो आप परमानेंट रिजेक्शन से बाहर हो जाओगे, आपको मतलब अंदर नहीं कर सकते वो। अगर आपके दो टेस्टीज़ है तभी आप नॉर्मल हो, और हाइड्रोसिल आपका नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे जो मेजर प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को, और ये सब चीज़ें चेक की जाती है। और सबसे तीसरा इम्पॉर्टेंट मैं बताता हूँ आपको, वो लोग आपको बोल देंगे झुकने के लिए, ठीक है। अपना जो आपका जो हेड है उसको बोलेंगे कि अपने जो घुटने हैं उसको टच कराओ झुककर, ठीक है। तो उसमें क्या चेक करते हैं वो आप ध्यान से देखना, कि उसमें चेक करते हैं पाइल्स। पाइल्स ऑल्सो नोन एज बावासीर, आपको जानते हैं कि इसको बावासीर भी बोला जाता है। तो पाइल्स चेक करते हैं वो लोग कि बच्चे को पाइल्स है कि नहीं। तो वो जब आपको जब झुकने के लिए बोलते हैं, फिर आपको बोलते हैं खांसने के लिए, तो वो फिर देखते हैं टॉर्च लगाकर कि इस बच्चे को पाइल्स है कि नहीं, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को जिनको होती है। तो ये सारे जो चार मेजर चेक की जाती है आपके प्राइवेट पार्ट में। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो आपको मेरे ख्याल से जो मैं बताना चाहता था वो समझ आ गई होगी कि कौन कौन से चीज़ें चेक की जाती हैं। और भी आपको अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछना। और बहुत मेहनत से ये वीडियो बनी है, तो मैं टारगेट रखता हूँ इस वीडियो को 100 लाइक्स का। तो मेरे ख्याल से आप ये टारगेट पूरा फुलफ़िल कर दोगे। तो अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मैं हमें अपने चैनल्स के द्वारा देते रहूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।